क्लास फोर सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 11 इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें आज हम रीडिंग करेंगे क्लास से पेज नंबर 69। क्लास फोर आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 69 लेसन 12 इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचर हैज गिफ्टेड अवर कंट्री विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। नेचर ने हमारे देश को बहुत ज़्यादा विभिन्नताओं के साथ रिसोर्सेज दिए हैं। दीज रिसोर्सेज हैव टू बी मेड यूजफुल बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये रिसोर्सेज जो है मनुष्य के द्वारा यूजफुल बनाए जाते हैं। वी नीड एजुकेटेड स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन टू कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज इंटू थिंग्स ऑफ डेली यूज। हमें एजुकेटेड, पढ़े लिखे, स्किल्ड, निपुण एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मेहनती लोगों की आवश्यकता होती है इन रिसोर्सेज को डेली यूज की चीज़ों में बदलने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। दस द स्किल्ड पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। इस प्रकार जो है स्किल्ड पीपल यानी कि निपुण लोग होते हैं, स्किल्ड पीपल, वो एक देश के ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाउ अ डेज अ मशीन कैन डू द वर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स। आजकल एक मशीन जो है कई सौ लोगों का काम कर सकती है। स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू रन मशीन्स। स्किल्ड वर्कर जो है इस मशीन को, इन मशीन्स को चलाने के लिए आवश्यक हैं। दस इस प्रकार वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इस प्रकार हमें काफ़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है। फॉर प्रोग्रेस एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड मस्ट वर्क टू डेवलप द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अपनी प्रोग्रेस के लिए या उन्नति के लिए प्रत्येक संसार में प्रत्येक देश को नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए। दिस विल आल्सो ब्रिंग प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यह एग्रीकल्चर में और औद्योगिक प्रोडक्शन में यानी कि कृषि और औद्योगिक प्रोडक्शन में प्रोग्रेस लाता है। दिस विल आल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यह लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करता है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत जो है चाइना के बाद संसार में अधिक जनसंख्या वाला देश है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज अबाउट 125 करोड़। भारत की हमारे देश की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है। वी हैव अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। हम हमारे संसार की टोटल जनसंख्या का 16% हमारे देश में है एंड ओनली अबाउट 2.4% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। और पूरे देश की, पूरे संसार की के लैंड एरिया के हिसाब से भारत के पास 2.4% एरिया है। इन आवर कंट्री द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई ऑन लैंड। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव जो है धरती पर लैंड पर बहुत ज़्यादा है, यानी कि जनसंख्या अधिक है और रहने के लिए लैंड काफ़ी कम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत अधिक जनसंख्या हमारे देश की एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम एरियाज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड एंड सम एरियाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड। कुछ एरियाज तो अधिक जनसंख्या वाले हैं और कुछ में काफ़ी कम जनसंख्या है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ अवर कंट्री वाज 382 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर। जनसंख्या की एवरेज डेंसिटी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 382 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर है, यानी कि जनगणना के अनुसार एक स्क्वेयर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। इट इज़ वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ ओनली 45 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर। जब हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा है, जो कि 45% पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अनुसार जो है एक स्क्वायर किलोमीटर में, वन स्क्वायर किलोमीटर में 45% रहते हैं और हमारे देश की जनगणना के अनुसार पर स्क्वायर किलोमीटर में 382% रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। द थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स आर, अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो हैं ये
इस प्रकार है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला एटसेट्रा। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन दी स्टेट्स। लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या भारत की इन स्टेट्स में रहती है। द स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ अवर कंट्री आर द डेजर्ट इन राजस्थान, द हिली एरियाज इन नदन, नेक्स्ट पेज, एंड नदन ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। कम जनसंख्या वाले एरियाज हमारे देश में इस प्रकार है, जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट और नदन और नदन ईस्टर्न पार्ट हिली एरियाज, नदन ईस्टर्न स्टेट और पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू के कुछ भाग जो है कम जनसंख्या वाले हैं। क्लास हमारी रीडिंग यहीं तक है, यहाँ पर हम टिक कर लेंगे दक्कन प्लेट्यू तक।